दुमका के बस स्टैंड में 17 जुलाई को मिले लावारिस सूटकेस का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। शनिवार को दिन भर लावारिस अवस्था में मिले सूटकेस को लेकर शहर में चर्चा होती रही थी। बता दें कि रविवार की सुबह सूटकेस लेने एसआई नगर थाना पहुंचे। वही एसआई का नाम मदन प्रसाद सिंह है, जो दुमका पुलिस लाइन में रहते हैं। मदन सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उनका तबादला काठीकुंड थाना से पुलिस लाइन हुआ था। शनिवार को वे सारा सामान लेकर बस से दुमका पहुंचे ही थे कि मोबाइल पर एक परिचित के एक्सीडेंट की सूचना मिली। इसी बीच बात करने के दौरान रिक्शा वाले को सभी सामान लोड कर पुलिस लाइन चलने को कहा। इसमें रिक्शा वाले ने एक सूटकेस वहीं छोड़ दिया था। आज सुबह जब सूटकेस की खोज की तो किसी ने बताया कि एक सूटकेस लावारिस अवस्था में नगर थाना द्वारा बरामद किया गया है। बता दें कि थाना प्रभारी के सामने सूटकेस खोला गया था तो उसमें वर्दी के साथ कपड़े और फाइल थे। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सूटकेस सौंप दिया गया। इस तरह लावारिस सूटकेस का मामला स्पष्ट हो गया। पहले मैं काठीकुंड थाना में पोस्टेड था, वहाँ से पुलिस लाइन आए। पुलिस लाइन में आए तो कुछ सामान हमारा छूट गया था। परसों गए थे सामान लाने, कल सुबह में 9:15 बजे बस स्टैंड में आए बस द्वारा। उसी समय हमारा एक रिलेशन में एक्सीडेंट हो गया था, वही मोबाइल पर हम बात करते रह गए और रिक्शा वाला को बोले कि सामान लोड कर दो। तो रिक्शा वाला बोला कि चलिए सर आगे बैठ जाइएगा, हम सामान सब लोड करके ले चलते हैं। हम आगे आगे बढ़े तो उसी में रिक्शा वाला से आया, हमारे मिस्टेक से सामान या अटैची छूट गया था। जो आज सुबह में एक सामान निकल रहा था सूटकेस से तो खोज रहे थे तो मिला नहीं, तो हम आए बस स्टैंड तो पता चला कि नगर थाना में जमा है। तो हम आए हैं नगर थाना में, यहाँ से अपना सूटकेस ले जा रहे हैं। क्या नाम है? मदन प्रसाद सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।